हैंडपंप मैकेनिक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा सन 1984 से ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप संधारण कार्य कर रहे हैं। हैंडपंप टेक्नीशियन कर्मचारियों को स्थायी किए जाने के संदर्भ में हड़ताल पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंडपंप टेक्नीशियन का मूल उद्देश्य होता है कि ग्रामों में लगे हैंडपंप को संधारण किया जाना, जिसमें हैंडपंप टेक्नीशियन का ना तो विभाग के द्वारा बीमा कराया जाता है और ना ही शासकीय कर्मचारियों के समान कोई सुविधा प्राप्त होती है। इसी मांग को लेकर हैंडपंप टेक्नीशियन लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इन कर्मचारियों की मांग को आखिर कब तक पूरा करती है। सबसे पहले आपका परिचय। सर, मेरा नाम गोपाल फुलोक है, ट्रायसम हैंडपंप मैकेनिक पालाघाट। हाँ, क्या मांगे आपकी? सर, हम लोगों की 5 सूत्रीय मांगे हैं। हम लोग विभाग में 1984 से हैंडपंपों के ग्रामीण क्षेत्र में सुधार कार्य करते हैं और मात्र अभी हम शासन हमको जो है अभी मात्र 12,000 रुपये पे कर रही है। अब यह है कि काम हम लोगों का काम बहुत हार्ड काम है। हम लोग अपने अपने जगह से 25-30-40-40 किलोमीटर हैंडपंप के सुधार कार्य के लिए जाते हैं। 60-70-80 किलोमीटर की TNP लेके जाते हैं और ग्रामीणों को गांव-गांव मोहल्ले-मोहल्ले जाके पानी उपलब्ध कराते हैं। काफ़ी वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हम सब लोगों की ये मांग है कि भाई कम से कम हम लोगों को जो है स्थायी कर्मी किया जाए। और जहाँ तक सवाल है सर, प्रदेश की सरकार ने जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो भी कर्मचारी परेशान है या हड़ताल है, प्रदर्शनकारी है, उन लोगों को कुछ न कुछ अपेक्षाकृत दिया है, कुछ न कुछ घोषणाएं हुई है। तो शासन से ये उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है कि हम लोगों को स्थायी कर्मी हम लोगों का हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी मांग वेतन वृद्धि को लेकर भी है क्या? वेतन वृद्धि स्थायी कर्मी को लेकर है। स्थायी कर्मी, हाँ। बेसिक रूप से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कम से कम विभाग में 1984 से हैंडपंपों के सुधार कार्य कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और ये हड़ताल हमारी प्रदेशव्यापी है, तो कम से कम शासन हमें स्थायी कर्मी का दर्जा दे। ऐसे कितने कर्मी हैं आपके इसमें? सर, हमारे यहाँ पे प्रदेश भर में पूरे 300 से कम है कर्मचारी। पूरे मध्य प्रदेश में ट्रायसम हैंडपंप मैकेनिक जो है वो 300 से कम संख्या के हैं। अभी हमारी हड़ताल प्रदेश के पूरे जिलों में चल रही है, जहाँ